सलाम मिला कि जिनकी तरफ से ये इस्लाम के द्वारा आप हम मोमिन कमीशन बनाने के लिए मोहतरम अमीर अल्लाह के नाम देश मंत्री आयता के स्टेट सेक्रेटरी द्वारा हमारे लिए इस 21 रोजा मुहिम जो हमारे सामने है सब 24 सितंबर का 15 इसके कन्वीनर का मौलाना नजीर नजीर रसूल साहब लाइक साहब को कन्वीनर वरीज साहब तमाम एसएससी मेंबर जिले जिम्मेदारान मकामी जिम्मेदारान और किसी भी तरह से आज के इस प्रोग्राम में शामिल पसंद रहेगा इसमें आज का प्रोग्राम तकरीबों का नहीं था और एक ऐसे प्रोग्राम था हमारी जो फिल्म आ रही है उसमें प्रोग्राम तकरीब क्या और तकरीर हमारे बस की नहीं है। एक बात तो आपको मालूम है रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन जिसमें जिसके होते हुए किसी तरह की कोई कानूनी कोई मसला हमारे सामने लाइक बहुत सारे फसाद रहते हैं ऐसे जुड़े कभी ये गुना हो जाए गुना हो जाए मसला ना हो जाए ऐसे लाइक मसला। दूसरी बात जो बहुत अहम बात हम एक नज़रियाती ऑर्गेनाइजेशन है ऑर्गेनाइजेशन बहुत है यहाँ आपकी जिसमें काम करने वाले तरीके कम से कम जिनके मकासद बहुत महदूद हैं आपके इल्म में है कि बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन ऐसे हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज के सदस्य हैं पॉलिटिकल पार्टीज की टीचर्स विंग हैं और पॉलिटिकल पार्टीज का जो मसूद एजेंडा होता है उसी को फुलफिल करना उसी के लिए काम करना होता मसल है ना। एक नज़रियाती ऑर्गेनाइजेशन वो है जो इस वक्त यहाँ हुकूमत उसका भी एक नज़रिया वो भी हिंदू राष्ट्र की कब्जा वो चाहते हैं हिंदू राष्ट्र लेकिन कैसे बने और उनका तरीक़ाकार क्या है लोगों को कितना फ़ायदा उनसे है लोग कितने मुतमिन उनसे हैं आपको सब मालूम है कि हिंदुस्तान के आज के हालात कैसे हैं और वो क्या कर रहे हैं लोग उसी कितने मुतमिन कुरान ने इस प्रकार तरह कसर में यूसारियो ना फिले इसमें और उद्वान अगली गुनु सुरता लबीसा माकाम अमन तुम देखते हो कि उनमें से मकसद लोग गुनाह और जुल्म ज्यादती के कामों में दौड़ धूप करते हैं और हराम के माल खाते हैं बहुत बुरी हरकत हम लोग कर रहे हैं। एक नज़रिया हमारे पास एक नज़रिए के आई हम और हम ये चाहते हैं कम अज़ कम उस खत्ते ज़मीन में जिसमें हम रहते हैं उसमें जुल्म का खात्मा हो इंसाफ का बोलबाला हो लोगों को जो बल्कि वसाइल हैं उनको उस पर उनका हक उनको दिया जाए। हम ना लेफ्टिस्ट को सपोर्ट करते हैं ना राइटिस्ट को सपोर्ट करते हैं जिसकी बात सही होगी जिसके बात जिसके खिलाफ जुल्म होगा हम उसे अगेंस्ट खड़े होंगे उससे साफ खड़े होंगे चाहे वो लेफ्टिस्ट हो चाहे राइटिस्ट हो हमारा नजरिया ही। और एक बात का भी इल्म है देखिए नज़रियात हो इल्म हो मनसूबा हो या कोई भी चीज़ हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन फ्लो होता है ना। इस हिसाब से हमें अपने नज़रिए को हायर कंसंट्रेशन रखना क्योंकि यहाँ से फिर नई नसरों में होता है यहाँ जो बात कही यही क्या है ट्रांसफॉर्मिंग सोसाइटी अल्टीमेट गोल क्या है हमारा ट्रांसफॉर्मिंग सोसाइटी हम सोसाइटी को चेंज करना चाहते हैं सोसाइटी को बदलना चाहते हैं। सोसाइटी खराब हो गई क्यों
क्यों खराब हो गई, क्यों खराब हो गई, ये मालूम है ना हमारे सामने हमारे हमें जो मकसद दिया गया था उससे हमने लापरवाही करती। हम किसी किन्हीं और कामों में मुलव्वस हो गए, हमारे जो टारगेट्स थे उनको भूल गए हम, और नतीजा ये हुआ कि सुरैया से ज़मीन पर आसमान ने हमको दे मारा। अगर फिर हम अपना वजन, अपना वकार, अपना मर्तबा और स्पेशली हम टीचर्स हैं, टीचर्स की डिग्निटी हम फिर दोबारा बहाल करना चाहते हैं, तो हमें पहले अपने मकाम को और अपने काम को समझना पड़ेगा, है ना। हमें क्या कहा गया है, नेशन बिल्डर। क्या वाकई नेशन बिल्डर हैं? साइकोलॉजी के एक्सपर्ट्स का कुछ किराय ये है कि दुनिया में तीन तरह के लोग, 5% लोग ऐसे हैं जो बासलाहियत लोग और उनकी नीयतें भी अच्छी, 5% ऐसे लोग हैं जो बासलाहियत है लेकिन उनकी नीयत अच्छी नहीं, 90% लोग ऐसे हैं जो बासलाहियत नहीं बल्कि ट्रेंड्स को फॉलो करने वाले हैं। जिसका भी ट्रेंड होगा उसी को फॉलो करेंगे, जिसका भी बोलबाला होगा उसी को फॉलो करेंगे। अब हमारा काम और हमारा टारगेट ये है कि 5% जो बासलाहियत और अच्छी नीयत वाले लोग हैं उन सबको मिला के हमें एक माला बनानी है। जब इन्हें रिश्ता है उतने ग्रो सकता है तू, और ग्रो सकता था तू जब हम उनको इस काम को कर सकते हैं तो उतनी परेशान क्यों होती थी तस्वीर के दाने में। ये हमारा टारगेट, हमें अपनी डिग्निटी को, अपने मकाम को, आयता की जो 4 साल मनसूबा बंदी थी, जो पॉलिसी प्रोग्राम था उसमें बहुत पहले से तय थी कि हम आयता टीचर्स की डिग्निटी पर एक मुहिम बनाएंगे। ये पिछले 3 साल से तय, 1 साल और इस निकात का बाकी है, 2024 में आएगा कि जो स्टेट की और मदद की निकात हो जाएगी, तो ये 3रा साल है। 3रे साल में तय किया गया कि अब हम टीचर्स के मकाम और मरतबे को बुलंद करने के लिए, उनके मकाम और मरतबे को सोसाइटी में पेनिट्रेट करने के, समाज को बताने के लिए कि टीचर्स का मकाम क्या है, टीचर्स का मरतबा क्या है, और टीचर्स को भी इस बात का एहसास दिलाने के लिए कि उनका मकाम क्या है, वो अपने इस मकाम को कैसे हासिल कर सकते हैं, इसके लिए मुहिम हमारी सुभाव से इस्तेमाल हो रही है। पूरी प्लानिंग आपको समझा दी गई है, आपको ये भी बता दिया गया है कि आपको मकाम पर क्या क्या काम करना है, कौन कौन से काम करने हैं, कैसे कैसे काम करने हैं। एक फैसिलिटी है इस वक्त उनकी किताब से मैंने एक जुमला नोट किया है, संसार का ये घोषित नियम है कि जो आगे नहीं बढ़ता उसे पीछे धकेल गया है, घोषित नहीं। जहां प्रगति नहीं होती वहां दुर्गति होती, जहां विकास नहीं होता वहां विनाश होता, जहां चलना नहीं होता वहां रुकना होता, और जहां रुकना होता है वहीं जिंदगी का खात्मा होता। आप अगर हम अपनी प्रगति चाहते हैं, अपना मकाम मर्तबा चाहते हैं, फिर हमें चलना पड़ेगा, चलना होगा और मंसूबाबंद तरीके से चलना होगा। हमारे पास अपने जो हमारा नज़रिया है उसको पढ़ने के, उसको समझने के लिए हमारा नज़रिया है क्या, हम कौन से नज़रिए पर समाज का रिफॉर्मेशन चाहते हैं, किन बुनियादों पर हम समाज का रिकन्स्ट्रक्शन चाहते हैं, उस नज़रिए को सबसे पहले हमें अपने समझना पड़ेगा और अपनी ज़िंदगी पर नाफिज करना पड़ेगा। और फिर जब हम अपनी ज़िंदगी पर नाफिज कराएंगे और उसको फैलाएंगे, और वो जो 5% लोग हम देख रहे हैं दुनिया में ऐसे हैं जो फासलाई थी और नियतों में भी अच्छे हैं, उनको सबको इकट्ठे करेंगे, तो फिर इंशाल्लाह एक दिन ऐसा आ जाएगा कि हम एक ट्रेंड बनाएंगे और दुनिया के 95% लोग जो ट्रेंड फॉलो करने वाले हैं वो हमारे पीछे होंगे, और वो नज़रिया एक दिन हमारा कामयाब होगा और दुनिया में और स्पेशली उस ज़मीन पर जहाँ हम रहते हैं उस तय ज़मीन पर अमन होगा, इंसाफ होगा, सुकून होगा,
करप्शन नहीं होगा, बेईमाना नहीं होगा। अभी तो मरहला ये है कि मुझे जिस नजरिए का मैं हामिल हूँ, जिस नजरिए का मैं मानने वाला हूँ, जिस नजरिए को ये करता हूँ, उसको मैंने सिर्फ जुजदान में सजा के लपेट के या ताबीज बना के कितने टांगा हुआ है। अभी तो मैंने भी आंखों के ये देखा कि मेरा नजरिया क्या है। पहली जिम्मेदारी हमारी ये है कि हम अपने नजरिए पर गौर करें, उसको मजबूत करें, अपनी फिक्र को मजबूत करें। हम फिक्री और नशा हैं, नजरियाती और नशा हैं, और उसके बाद जिस काम को हम कर रहे हैं उसको हर तरह से बेहतर बनाने के लिए, मान लीजिए कोई मजमून पढ़ाते हैं और मान लीजिए हम साइंस पढ़ा रहे हैं, तो अब से 1994 में मैंने बीएससी किया था, तो उस वक्त जो उसूल पढ़े थे, जो चीज़ें पढ़नी थी, उन्हीं को मैं अभी भी जब मुझे मौका मिलता साइंस पढ़ने का उन्हीं को पढ़ाता हूँ। मैं ये बिल्कुल नहीं सोचता समझता कि इनकी अब कोई कदर कीमत नहीं है, और उस वक्त के मुकाबले में अभी इन कहाँ का कहाँ पहुँच गया है। अगर मेरा यही रवैया जारी रहा तो आप ये समझिए कि जो अंजाम नोकिया का हुआ, 2012 में नोकिया ये समझता था कि हमारा मुकाबला दुनिया नहीं कर पाएगा। उससे पहले कोडेक नाम की कंपनी थी जो फिल्में बनाती थी, वो भी ये समझती थी, और कैमरे बनाती थी, वो भी ये समझती थी कि हमारा मुकाबला दुनिया में नहीं। लेकिन उसने अपने आप को जमाने के हिसाब से बदला नहीं। आज का ज़माना ऐसा है कि पहले एक भावना एक इंसान भावित थी कि जरूरत ईजाद की ना होती, अब ये चेंज हो गया, अब ये बदल गया, अब जरूरत ईजाद की माँ नहीं है, बल्कि ईजाद पहले होती है, जरूरत हमारी बाद में चलती है। पहले ईजाद हो रही है और फिर वो हमारी जरूरत बन जाती है। ऐसे ही हमने अगर अपने आप को मोल्ड न किया, अपने आप को दुनिया से आगे रखने की कोशिश नहीं की, तो फिर हमारा नतीजा भी जो है वही सुरैया से जमीन पर आए समीर से भी तस्वरा में जाने वाले हैं, और आप हालात देख रहे हैं। अब एक सोच हमारी ये है कि मेरा काम तो ठीक है, मुझे कोई दुख नहीं, मुझे क्या जरूरत पड़ रही है बेकार उठाए किसी बात को बताता दूँ। अगर हम ऐसा सोचते हैं तो हम बहुत गरीब होते हैं। हम अपने इस ख्याल को दुरुस्त कर लें, हम पर अपना नहीं सवाल, अपना तो होगा ही, लेकिन हमें तो बना के इसलिए, हमें तो लाया इसलिए गया कि हमें दुनिया की सलाह करनी है, हमें तो दुनिया को ठीक रास्ता दिखाना है। हम तो इस काम के लिए लाए गए कि लोगों को खैर की दावत देंगे, हम तो लोग इसलिए आए हैं कि लोगों को बुराइयों से बचाएंगे, और बजाय बचाने के हम ऐसे मालूम हैं कि बस चलो तुम उधर को हवा और फेर। अगर हमारा ये रवैया जारी रहा तो हम आइंदा नस्लों को अपनी नस्लों को इल्हाम से नहीं बचाएंगे, है ना। फिर ये शिकायत मत करना कि हमारी बेटियां और हमारे बच्चे और हमारी नस्लें बजाय मुस्लिम के दूसरे नामों से क्यों जाने जा रहे हैं, बजाय इस दरवाजे के उस दरवाजे पे क्यों चले गए, बजाय इस ट्रेन के इस रास्ते के उस रास्ते पे क्यों चले गए। और अगर ऐसा हुआ तो उस सबके जिम्मेदार हम होंगे, हम बच नहीं पाएंगे अपने समुदाय से। और अल्लाह के यहाँ जो 5 साल होंगे ना, शायद हमारे पास एक का भी जवाब है। लिहाजा अभी होश मारने की जरूरत है, अभी मौका है, वक्त है, अल्लाह ने जो भी मौका दिया है इसको गनी न समझे। हमारे पास जो भी जराए हैं, जराए बहुत है हमारे पास, बिल्कुल इसमें वो गलतफहमी पड़ने की जरूरत नहीं। आप ये देखिए कितनी टफेस्ट कंडीशन थी अल्लाह के रसूल के सामने, कौन सा जरिया था आपके पास। हमारे पास, हमारे लिए तो मिसाल वो है ना, नमूना वो है, हमारे लिए तो आइडल वो है ना। और ऐसी टफेस्ट कंडीशन में, ऐसे मुश्किल हालात, मुश्किल से मुश्किल तरीन हालात में बेहतर से बेहतरीन से बेहतरीन नतीजे कैसे अचीवमेंट स्मार्ट टेस्ट रिजल्ट कैसे आए, ये हमें सोचना है, और स्मार्ट टेस्ट नतीजों को हमें लाना है। एक बार अल्लाह के रसूल ने सहाबा से पूछा कि बताओ सबसे ज्यादा फयाज, सबसे ज्यादा फायदा पहुंचाने वाला दुनिया को कौन। सहाबा ने कहा कि आप ही बेहतर जानते हैं। आपने जवाब दिया कि
अल्लाह की जात, सबसे ज्यादा मुफ्ती सबसे ज्यादा नियाज अल्लाह की जात। ठीक, फिर उसके बाद कौन है? फिर जवाब ये है कि आप ही जवाब दीजिए, आपने जवाब दिया कि उसके बाद मैं। फिर तीसरा नंबर, फिर उसके बाद सवाल ने भी सवाल किया कि बस आप ही बताइए, आप ही बता रहे हैं, आपने वल्ली में खैर, वो टीचर्स जो मीनिंगफुल हों, जो प्रॉफिटेबल हों, जो फायदा पहुंचाते हों लोगों को, जो अपना मकसद जानते हों, अपना मकसद जानते हों, अपनी डिग्निटी का ख्याल रखते हों, अपना वकार का, अपने मर्तबे का ख्याल रखते हों, वकार और मर्तबे को बनाने के और बिगाड़ने के उतना बनाए रखने के लिए तकाजे होते हैं। इस वक्त उसका मौका नहीं कि मैं उन तकाजों में बात करूँ, तो उसके लिए भी बात हो सकती है कि उसके तकाजे क्या है, हमारी डिग्निटी, हमारा वकार कैसे कायम रह सकता है। इस पर भी इंशाल्लाह जब आगे आइंदा प्रोग्राम होंगे इस महीने के दौरान के बाद भी इस पर बात करेंगे कि हम अपने वकार को कैसे बहाल कर सकते हैं, वकार को कायम कैसे रख सकते हैं, अपनी डिग्निटी को बहाल कैसे करें, इस पर भी इंशाल्लाह बात करेंगे। तो फिलहाल तो हमारे मिशन ये मुहिम है, सारी मतलब नहीं है, सारी तकरीबन मुताबिक बात बहुत से बात करनी थी। अब ये बात देखिए, पिछले साल भी हमने एक मुहिम मेंबर्स हाजिरी मुहिम कराई, मेंबर्स हाजिरी मुहिम कराई थी, उसकी तफरीम भी यहाँ हुई थी और अल्लाह का शुक्र है स्टेट में काफ़ी एक्टिविटीज भी हुई, लेकिन प्रॉपर तरीके से उसका लिहाज नहीं हो सका, उसका फॉलो अप नहीं हो सका और उससे जो नतीजे आने चाहिए थे हम उससे दूर ही आए नहीं। अगर अभी भी हम सुन के चले जाएंगे, अभी हम देखना है कि ऐसे ही हुई बस, आज सारा दिन हमने सिनाम कर दिया, कुछ किसी की शर्म से, कुछ किसी के कहने से, कुछ किसी वजह से लोग आ गए और आगे आज सुन के फिर चले गए, अल्लाह खैर सल्लाह पिछड़ा खाला कैसे होंगे, उसको तरफ में होंगे रस्ते लगाए हुए जो चीज़ें थी जिनमें आप पहले से लगे हुए थे। अभी भी अगर हमने उतना सोचा था और किया तो फिर इसका नतीजा भी वही होगा, बल्कि सारी मुहिम कितनी मुहिम बनाओ कोई नतीजा नहीं आएगा। देखिए मुहिम कामयाब होगी मकाम पर, मकाम के लोगों को काम करना पड़ेगा। हल्का क्या करेगा, आपको ट्रेनिंग फराम करेगा, आपको इन फराम करेगा, आपको ये वो फैसिलिटी फराम करेगा, आपको मुतरिक फराम करेगा, आपको आप जो कहेंगे उसके लिए प्लानिंग फराम करेगा, लेकिन मकाम पर जाकर काम तो नहीं कर सकता है ना। हल्का कौन है, हल्का भी हम लोगों में से मुंतखब होगा है और हल्का चंद लोग हैं हल्के में जो इस काम को करते हैं, जो मोटिवेट करते हैं, बताते हैं, प्लान करते हैं, सारी चीज़ें करते हैं। तो मकाम पर काम मकामी लोगों के करने से ही होगा, चाहे कॉलेज में काम हो, चाहे मर्दों में काम हो, लेडीज में काम हो या जेंट्स में काम हो, हमको खुद अपने आप को तैयार करना पड़ेगा, सेल्फ मोटिवेट करना पड़ेगा और हमें खुद प्लान करना पड़ेगा कि मेरे गांव में कितने स्कूल हैं, कितने गाँव हैं और वहाँ कितने टीचर्स हैं, कितने लेडी टीचर्स हैं। ये पैगाम, ये बात उन तक भी जानी चाहिए, उनका नज़रिया भी दुरुस्त होना चाहिए, उनकी फिक्र भी ठीक होनी चाहिए और उनकी जो पेशावरान सलाहियत है वो भी बढ़नी चाहिए, उनमें भी दिखा आना चाहिए। मकाम इस चीज़ को तय, और फिर उसके बाद ज़िले हैं हमारे, मकाम के बाद नंबर आता है कि कुछ काम हम मकामी लेवल पर करेंगे तो कम ज़्यादा हमारा खर्चा आएंगे और वो फायदे कम पहुँचेंगे। ज़िले ही लेवल पर करेंगे तो बहुत सारे लोग एक जगह इकट्ठा हो जाएंगे, हमें ट्रेनर्स को पहुँचना आसान हो जाएगा और प्रोग्रामों को करना आसान हो जाएगा, खर्चे कम होंगे तो ज़्यादा काम हो जाएगा। असल चीज़, असल मसला है मकाम का और ज़िलों का काम, हल्का तो ज़िलों से और मकाम से ही। अब ये देखेंगे अफराद यहाँ मकाम से आते हैं, ज़िलों से आते हैं, चीज़ें मान लीजिए अभी बात साकिब फलाही साहब ने बहुत अल्हम्दुलिल्लाह बहुत डिटेल में हमें इशारों कुरबानी के बारे में और अपने चीज़ों को टच करने के बारे में बताया। अभी ये तय किया था हमने, अब तक वो सब लोग पहुँचे आए कि हर यूनिट कम अज कम, हर मकानी यूनिट, हर मकान हमें कम अज कम 1500 रुपये लाजमी दें। ये बहुत बड़ी रकम नहीं है, अगर आप इतना भी इशार नहीं कर सकते, इतना भी कुरबानी नहीं कर सकते तो, और फिर उसके बाद ये उम्मीद करें कि बहुत अच्छे काम होंगे, बड़े अच्छे नतीजे आएंगे तो कैसा आएंगे, कितनी सी कुरबानी भी हमारा है, हमें अपने वक्त की कुरबानी देते हुए हम करते हैं, कंजूसी करते हैं कि वक्त यहाँ वहाँ